समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाशोत्सव नगर के सुंदर गुरुद्वारा मातबरगंज में सिख बंधुओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारे में सुबह 10 बजे शब्द कीर्तन का पाठ शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। इस दौरान आजमगढ़ के सभी धर्म के लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के सामने मत्था टेका। सुंदर गुरुद्वारा के प्रवक्ता श्याम सुंदर ने बताया कि आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म उत्सव है और हम लोग उनका 354वां प्रकाश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने देश और धर्म के लिए खुद के प्राणों की बलि दे दी। वह सभी को सीख देते थे कि आपस में मिलजुल कर रहिए, कोई भेदभाव ना रखिए। हम उन्हें याद करते हुए आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन व कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के बाद लंगर का आयोजन होता है, जिसमें सभी धर्मों वर्गों के लोग आकर गुरु गोविंद सिंह का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। पूरा परिचय और क्या कार्यक्रम यहाँ हो रहा है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं श्याम सुंदर गुरुद्वारा सिंह सभा माधवरगंज से बोल रहा हूँ। आज यहाँ पर हम लोग बहुत खुशियों के साथ, श्रद्धा के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज बहुत बड़े योद्धा भी थे, सिपाही भी थे, संत भी थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी और जो है उससे वंचित नहीं हुए और सबको प्रेरणा दी मिल के रहने के लिए। गुरु तेग बहादुर के परिवार में श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश हुआ था। पटना साहिब में उन्होंने अलौकिक जीवन व्यतीत किया और उन्होंने सभी को आपस में मिलजुल के रहने की प्रेरणा दी, किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया और सबको मिल के रहने की प्रेरणा दी। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।